हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। तो जेई मेंस तो खत्म हो चुका है, बाकी आपका नीट एग्जाम और जेई एडवांस एग्जाम आने वाला है। तो डेफिनेटली पता है भाई, एंड टाइम है, पढ़ाई प्रॉपर करनी है, मेहनत करनी है, इतना तो सबको पता है। लेकिन भैया एक दिल की बात बताऊं आपको, भैया बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है माइंड में। पता नहीं अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं भैया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ अगर वो सब नहीं आया, तो जो प्रिपरेशन करी, जो चैप्टर्स पढ़े उसमें से कुछ नहीं आया तो, या फिर जो पढ़ा मैं एग्जाम के टाइम भूल गई तो, या फिर मैंने एग्जाम देने लगी या एग्जाम देने लगा और वहां क्वेश्चंस में से सॉल्व ही नहीं हो पाए तो, या मैंने गलतियां कर दी तो। भैया ये सब सोच के मैं बिल्कुल बिल्कुल माइंड मेरा मेरे को वो अजीब सा लग रहा है। तो ऐसे करते करते कितने ज्यादा मैसेजेस आ गए, किसी को एंग्जाइटी अटैक, किसी को पैनिक अटैक, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, पढ़ाई नहीं हो पा रही, यही आपका दुश्मन बनना पड़ा है कि नहीं। तो इसकी बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डाउट हो रहा है ना काफी ज्यादा, और डर भी लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। सर इसका कोई आंसर दो यार, इसका आंसर दो। पहला, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, कोई आंसर नहीं है। देर इज नो सोल्यूशन कि एग्जाम से पहले तुम अपनी एंग्जाइटी जीरो कर लो। ये इस फेज में अपना स्ट्रेस, अपनी एंग्जाइटी, अपने ये जो रैंडम थॉट्स है इसको जीरो कर लो, इसका कोई आंसर नहीं है, दैट्स द ट्रूथ। हाँ एक एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, मैं आपको फ्यूचर दिखा दूं, मैं आपको पेपर लीक करके दिखा दूं कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मत टेंशन लो, वो आई गेस हाइपोथेटिकल हो गया, राइट? हाँ हो सकता है एक दो मोटिवेशन वीडियो देख लो, एक दो घंटे तक अच्छा लगे, बट बैक टू एंग्जाइटी आ ही जाएगी, वो जाएगी नहीं, ठीक है, मुझे पता है। अब मैं थोड़ी सी, मेरी बात सुनना ध्यान से। पहला, लाइफ में हर चीज के आंसर्स और सोल्यूशन ढूंढना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, है ना। बहुत सारी चीजों के आपके आंसर्स कभी नहीं मिलने वाले, सोच सोच के बहुत ज्यादा चीजों में ना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सच्ची बता रहा हूं, बहुत बहुत बढ़िया एडवाइस दे रहा हूं। लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी, ज्यादा सोच के कोई फायदा नहीं होता। इस लाइक मैं एग्जाम्पल दूं, आप मरने के बाद क्या होगा आपका, आपके मरने के बाद आप कहां जाओगे, क्या करोगे, क्या होने वाला है मरने के बाद, सोचो उसके बारे में, सोचो, ढूंढो आंसर। पूरी जिंदगी मत जियो और ये ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो, क्या जिंदगी जी पाओगे भाई? मरना तुमको भी, मरना मेरे को भी, क्या होगा मरने के बाद, क्या पता हमें? पता है वैसे, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा मरने के बाद, मरने के बाद पता चल जाएगा ना क्या होगा। अभी तो जिंदगी जी ले, अभी तो जिंदगी जी ले। तो आपके क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चंस आने वाले आपसे, होंगे नहीं होंगे, वो पता चल जाएगा एग्जाम टाइम पे। और अगर पेपर खराब हो गया, पेपर बेकार चला गया, मैंने कुछ गलती कर दी, तब क्या होगा, तब की तब देख लेंगे अगर होगा तो। अभी आप क्या कर रहे हो, अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप। यू आर ट्राइंग कि भाई जो मैं सोच रहा हूं बस वही हो जाए, ऑब्वियसली वो हो सकता नहीं है, ऑब्वियसली हमारे पास कंट्रोल ही नहीं हमारे फ्यूचर का। तो आपको बहुत एंग्जाइटी देता है, आपको बहुत स्ट्रेस देता है कि यार जैसा मैं सोच रहा हूं अगर वैसा नहीं हुआ तो, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो वैसा होना तो है नहीं, ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो लाइफ में ये जो आप डाउट्स आपके हैं, ये जो क्वेश्चंस आपके हैं, पहली बात इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आपके पास नहीं है और ना ही मिलने वाला है। तो आप इसको पहले नॉर्मलाइज करिए। इतना ये जो इतने पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये जो डाउट्स और एंग्जाइटी है इसी को सोचे जा रहे हैं। चोट लगी है, कोई चोट लगी है, उसी चोट को खरोदे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, भाई खून निकल जाएगा और दर्द होगा। चोट लगी है, लगने दो, नॉर्मल है, नॉर्मल है, हील हो जाएगा। एग्जाम है, ऑब्वियसली आपकी शादी तो नहीं है, शादी तो नहीं है, एक्साइटमेंट थोड़ी होगी, है कि नहीं, ठीक है। आपका एग्जाम है, आपने लाइफ में कभी ना कभी सबने मेहनत तो करी होगी, किसी ने बहुत बार, किसी ने थोड़ी बार करी जरूर है, और उसका कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। एंड यू आर नॉट, आपको एंग्जियस हो, दिस इज हाउ इट इज, एंड इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इस एंग्जाइटी, ये जो माइंड में ये जो थॉट्स आ रहे हैं, इस पे बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, थोड़े क्वेश्चंस तो आएंगे, इसका आंसर आपका एक ही आंसर होना चाहिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट आने वाला है, और जो होगा देखा जाएगा, दैट्स इट। उससे बेटर आंसर आपके पास कोई नहीं है, ऐसे यही यही लाइफ है भाई। लाइक सबका कंट्रोल हो जाए तो सब अंबानी ना बन जाए, सबकी लाइफ में अगर सब कुछ, सबको कंट्रोल मिल जाए अपने फ्यूचर का, तो कौन नल्ला बैठना चाहेगा जिंदगी में, है कि नहीं? तो डेफिनेटली, तो प्रिपेयर करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, एंग्जाइटी होनी है, स्ट्रेस होना है, इसी के साथ जारी रखिए, इसको दूर नहीं कर सकते कंप्लीटली। दूर कैसे करना है, दूर कैसे करना है, ज्यादा भाव मत दो, थोड़ा सोचो और मानो, कहो अपने आप से, दिस इज नॉर्मल, एवरीबडी इज फेसिंग दिस,
इसी के साथ लेके प्रिपरेशन करना है और कुछ नहीं करना। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। डेफिनेटली प्लीज ज्यादा परेशान मत हो, नॉर्मल है, नॉर्मल है ये स्ट्रेस और एंजाइटी, ठीक है, इस नॉर्मेलिटी के साथ बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know.